Hello dear students, myself Ambesh Pandey and I welcome all of you my YouTube channels Ambesh Pandey Physics. This video is only for class 12th students for board examinations and our topic is first chapter of the physics of second term examinations, ray optics. So dear, first of all, I describe about the rays. बेटा earlier classes में आपने rays के बारे में पढ़ा होगा, light के बारे में आपने पढ़ा होगा. Ray optics में हम पढ़ेंगे first part में reflection of the light के बारे में, second part में हम पढ़ेंगे refraction of the light के बारे में. तो सबसे पहले जो introduction के रूप में सबसे पहले यहाँ पर rays के बारे में देखें, तो आपने सुना होगा rays के बारे में, आपने सुना होगा gamma rays, आपने सुना होगा एक्स रेज के बारे में, आपने सुना होगा यूवी रेज के बारे में जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, फिर आपने सुना होगा बिवगेयर के बारे में, आपने सुना होगा इंफ्रा रेड के बारे में, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स. इतने टाइप्स की आपकी रेज होती हैं और इन सभी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये कहलाती हैं. ये सभी रेज अपने वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में एडजस्ट होती हैं. इसका मतलब ये होगा कि एक्स रेज की वेवलेंथ सबसे कम और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें मिलता जाएगा. ऑलरेडी आप गामा रेज एक्स रेज के बारे में अन्य सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, राइट. देखा जाए तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सभी रेज आपको दिखाई नहीं देती. इंफ्रारेड नहीं दिखाई देगा, माइक्रोवेव्स नहीं दिखाई देगा, रेडियो वेव्स आपको नहीं दिखाई देगा, केवल और केवल आपको बिवगेयर दिखाई देता है. बिवगेयर आप देखते हैं, बिवगेयर आपने देखा भी होगा. तो बिवगेयर को ही हम क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे, राइट. बिवगेयर का जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है ये 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच ही होता है. अगर आप किसी बुक में देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड बुक में आपका बनता है, लिखा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये लाइट रेज लाई करती. हम इसी को लाइट बोलते हैं. तो अगर बेटा आपसे लाइट की डिफिनेशन मांगी जाए तो आप कभी ये नहीं कहेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये छोटी क्लास की डिफिनेशन है. आप लाइट की डिफिनेशन में बताएंगे लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. लाइट में आप बताएंगे लाइट एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइक करती है, राइट. लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. आपने देखा होगा यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीन होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता तो इसका मतलब ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगा और पढ़ करके रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आएगा, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हम देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखता है इसका मतलब ये होगा उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद ऑब्जेक्ट ने उस कलर की लाइट को इमिट किया, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लिया. क्योंकि आपने सीखा होगा व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स एंड दीज कलर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बिवगेयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ये कॉम्बिनेशन होता है, आपने पढ़ा होगा.
तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जिस कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ उस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आ रही है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे रे ऑप्टिक्स में दो टाइप की ऑप्टिक्स बनेंगी, अभी आगे पढ़ने वाले हम लोग। आइए देखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रीड करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी लाइट की डिफ्रेक्शन बनेगी। आपने भी इसे देखा होगा, लाइट की वजह से ही, लाइट की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यदि इस कमरे की लाइट, सभी लाइट को ऑफ कर दिया जाए, हम वीडियो बनाते हैं, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइट वी कैन सी एनॉर्मस थिंग्स अराउंड अस। अपने चारों तरफ की सभी चीज़ों को हम लाइट की वजह से देख पाते हैं, और देखने का जरिया हमारा, देखने का नज़रिया हमारा ऐसा होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आएगा, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अगर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक वो लाइट नहीं आ रही है, हम उस ऑब्जेक्ट को कभी देख नहीं पाएंगे। तो लाइट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो फिनोमेना आपको जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी करके हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें देखेंगे। एज ए इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। तो रेज आपने इतनी पढ़ी, आइए थोड़ा सा ऑप्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। ऑप्टिक्स आपकी क्या होती है? अगर ऑप्टिक्स की मीनिंग देखा जाए, ऑप्टिक्स का मतलब देखा जाए बेटा, तो ऑप्टिक्स हम कहेंगे, ऑप्टिक्स का मतलब होगा द स्टडी ऑफ लाइट। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड नोन एज ऑप्टिक्स। या फिर ऑप्टिक्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स को देखा जाए तो इसको दो पार्ट में हम देखते हैं। एक आपका पार्ट बनेगा रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज द वेव ऑप्टिक्स। तो पहले पार्ट को हम रे ऑप्टिक्स बोलेंगे, सेकंड पार्ट को हम वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में भी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हम इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में रीड करते हैं जिनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होती है, और वेव ऑप्टिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में रीड करते हैं जिनकी वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ की लगभग बराबर होती है। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स हम कैसे कहेंगे? रे ऑप्टिक्स हम बेटा बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हम ऐसा पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे मिरर के बारे में देखेंगे, हम यहाँ पे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पे हम प्रिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, और यहीं पे हम टेलीस्कोप के बारे में भी पढ़ेंगे। मीन्स कह सकते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डायमेंशंस, जिनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती हैं। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से ऐसे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर, 10^-10 मीटर, दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ रीड करेंगे रे ऑप्टिक्स में जिनका डायमेंशन लाइट के डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होता है। वेव ऑप्टिक्स में आ जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेव ऑप्टिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका डायमेंशन, जिनका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर होता है. मीन्स कह सकते हैं लाइट के वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब कह सकते हैं 10^-10 मीटर, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट, बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट है, मतलब इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. मतलब ऐसे फिनोमेना, वेव ऑप्टिक्स में ऐसे फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आंख नहीं देखा जा सकता. इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे पोलराइजेशंस के बारे में भी. वेव ऑप्टिक्स में इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शंस एंड पोलराइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे. रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में ऐसे फिनोमेना होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लाइक एज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, लाइक एज द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल्स अपीयर्स लेस डेप्थ देन इट एक्चुअली इज, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. ये सब फिनोमेना हम पढ़ेंगे, ये सब फिनोमेना हम देखते हैं किसी के भी रे ऑप्टिक्स में देखते हैं, राइट. तो आई थिंक ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा. एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में जस्ट बताया ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है. आइए थोड़ा सा देखते हैं हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाए. आप जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये आप जानते हैं. इसी के साथ साथ द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे. और आपने भी सुना होगा द बंडल फॉर्म ऑफ द लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. ये चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, आई थिंक क्लास टेंथ में आपने सब चीजों के बारे में डिटेल किया होगा अच्छे से. आपने देखा होगा लाइट रेज हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, और ऐसा प्रैक्टिकल करके क्लास टेंथ में आपको बताया भी गया होगा. लाइट रेज के पाथ को ही हम कहते हैं रे बोलते हैं. अलग अगर एक ही जगह पे कई ढेर सारी रेज में दिखाई दे रही तो उनको रेज बोला जाता है. और लाइट रेज का जो समूह होता है, जो बंडल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं बीम ऑफ द लाइट, या उसी को कभी कभी बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट भी बोलते हैं. अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्टार्ट करें रिफ्लेक्शन के बारे में. रिफ्लेक्शन क्या होता है अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एक सरफेस को हम रफ बना देते हैं और दूसरा सरफेस हमारा पॉलिश होता है. अब अगर इस पॉलिश सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है बेटा, हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. इसी को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे. और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन आपकी बनेगी नॉर्मल कहलाएगी. और नॉर्मल से ही कुछ एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ऐसा आपने रिफ्लेक्शन में देखा होगा. रिफ्लेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है अगर रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन बताएं तो रिफ्लेक्शन बनेगा रिफ्लेक्शन का बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इन विच द ट्रेवल्स. लाइट रेज जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, जिस मीडियम से लाइट रेज जा रही हैं, किसी सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम वापस लौटने की जो घटना होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट.
मीन्स कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप डिफ्रेक्शन दे सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द लाइट लाइट रेज ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट राइट। ये सब चीज़ें आपने क्लास 10 में देखी होगी। तो देखा जाए तो ये लाइट आपकी बनेगी इंसिडेंट रेज, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टर रेज, और जो पर्टिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है ये बोला जाता है आपका नॉर्मल। इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल, एंगल आई से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है। ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, सीखा होगा आपने। इसी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ जो आपने पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पहला लॉ पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। सेकेंड आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसा आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा होगा पढ़ा होगा राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, या दूसरे शब्द में बोला जाए लाइट रेज का उसी मीडियम वापस लौट आना जिस मीडियम लाइट रेज ट्रेवल कर रही, लाइट रेज जिस मीडियम जा रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद आपने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एक आपका बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा आपका बनता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन राइट। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। बेटा अभी जस्ट हमने बताया कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल करेंगे जिनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, लाइक एज मिरर के बारे में देखेंगे, लेंस के बारे में देखेंगे। तो अगर देखा जाए मिरर के बारे में, मिरर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मिरर आपने देखा होगा मिरर तीन टाइप के बनते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर का मतलब होता है, प्लेन मिरर की एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो जो भी अपने इमेज सुबह शाम हम लोग देखते रहते हैं, शीशे में देखते रहते हैं, दैट इज द प्लेन मिरर राइट। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ से देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, इसको भी रेज कर दें, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बनता है इसको हम लोग देखेंगे राइट। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे सपोज करें कि ये कोई मिरर, अब इस मिरर का ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इसको आपने रब बना दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पे, वो पॉइंट से अगर कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, हम इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, तो ध्यान से देखेंगे वो पॉइंट दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पॉइंट जैसा। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट मिरर पे इंसिडेंट कराई जा रही है तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। आपने देखा होगा इंसिडेंट रे के बाद यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस जगह से खड़े होकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इस जगह से खड़े होकर के हम लोग देख रहे हैं बेटा। जब हम यहाँ से देखेंगे इस रेज को देखेंगे, जो रेज हमारी तरफ आ रही है, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं
जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आता है। अगर कैमरे की लाइट हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर के आ रही तो हमें लगेगा कैमरा जस्ट सामने, कैमरे की लाइट ऐसे सामने आ रही, हमें लगेगा कैमरा हमारे सामने रखा हुआ। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे लेकिन रिफ्लेक्ट होकर लाइट जहाँ से आती है हमें लगता है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन, बिल्कुल सीधा डायरेक्शन ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा गया है। तो अगर हम देख रहे हैं इस जगह से खड़े होकर के हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ रही हैं तो हमें महसूस होगा कि ये लाइट इस जगह से कहीं चली होंगी, राइट। हमें ऐसा महसूस होगा कि लाइट क्या होंगी, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन से आई होंगी, लाइट कुछ इस डायरेक्शन से ऐसे निकल करके आ गया होंगी। लगेगा कि मिरर के अंदर से लाइट जैसे क्या होंगी, निकली हुई होंगी। अब एक लाइट हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी हम एक इंसिडेंट इधर से ड्रॉ करते हैं, ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होगा, हमें लगेगा कि लाइट कुछ ऐसे पीछे से आ रही। और जब तक दो लाइट मीट नहीं करती इमेज नहीं बनेगा। लाइट रेज के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने की कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दो लाइट रेज का आपस में मीट होना जरूरी है। अगर लाइट रेज मीट नहीं करें, नो मीट नो इमेज, राइट। तो लाइट रेज जहाँ पे मीट करते हैं उस जगह पे ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखा जाए तो लाइट रेज यहाँ पे लगभग मीट कर रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, राइट। इमेज आपका इस जगह पे बनेगा, यहाँ पे आपने इमेज ड्रॉ कर दिया, क्लियर। तो देखा जाए तो इसकी एक नेसेसरी कंडीशन होती है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज कहाँ पे बन रहा है, मिरर के पीछे नहीं बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, पीछे नहीं बोलेंगे बेटा, मिरर के अंदर बन रहा है, राइट। और आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा होगा इमेज के बारे में, द इमेज व्हिच कैन नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन और कॉल द वर्चुअल इमेज। ऐसी कोई इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी इमेज बोलते हैं। इट सीम्स टू बी फाउंड एट द स्क्रीन, लगभग ये लगता है हमें कि स्क्रीन पे कहीं मिल रही है, कहीं पे मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो ये जो सीम्स वर्ड आता है ये किसके लिए आएगा, वर्चुअल इमेज के लिए आएगा। मतलब ये इमेज जो यहाँ से बनेगा ये कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब कह सकते हैं इमेज फॉर्म बाय द प्ले मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज हमें बनेगा वो कैसा इमेज होगा, उसकी सिचुएशन कैसी होगी, वर्चुअल होगी, राइट। तो देखा जाए तो इसकी जो एक नेसेसरी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपका ये है कि मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा गया होगा मिरर के पीछे ही उतना जाकर के इमेज हमारा मिलेगा। जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा गया होगा उतना जाकर के पीछे की तरफ हमें इमेज मिलेगा। मीन्स कह सकते हैं यहाँ से हमेशा बोल सकते हैं इमेज विल बी फॉर्म एज फार एज, ऐसा बोले इमेज इज फॉर्म एट द इक्वल डिस्टेंस इनसाइड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज इज फॉर्म इनसाइड द मिरर एज फार इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज मिरर के अंदर उतनी डिस्टेंस मिलेगा जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा होगा। मीन्स कह सकते हैं अगर आप अपने आप को शीशे में देखें तो आपको लगेगा कि मिरर से जितना आगे जाकर के आप खड़े हैं, मिरर से आपके बीच की जो डिस्टेंस बनी हुई है उतना ही डिस्टेंस आपको लगेगा कि मिरर में जो हमारा इमेज बन रहा है मिरर के अंदर वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, बराबर होगी। इसको आप प्रैक्टिकली रूप से भी चेक कर सकते हैं, मिरर से कुछ दूरी पर आप आगे खड़े हो जाएं और फिर आप मिरर की तरफ चलना शुरू करें, तो जैसे जैसे आप मिरर की तरफ चलेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपकी जो इमेज मिरर में बन रही है वो भी लगेगा कि क्या हो रही है, आगे की तरफ आ रही है। आप जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे मिरर में आपको लगेगा कि इमेज क्या हो रही है, हमारी तरफ बढ़ रही है। मतलब जितना डिस्टेंस हम आगे मूव करेंगे मिरर के अंदर हमारी इमेज जो होगी उतनी डिस्टेंस क्या होगी, आगे की तरफ मूव करेगी। कह सकते हैं द इमेज इज फॉर्म एज फार एज द डिस्टेंस इन साइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। और वो इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्लियर। एक्चुअली क्या ना कि पहले के ज़माने तो मिरर तो था नहीं, आज जैसे मिरर रखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स के मिरर लोग देखते हैं, पहले क्या था बेटा मिरर नहीं था। सोचिए जरा सा जब पहली बार किसी व्यक्ति ने मिरर देखा होगा तो उसको कैसा लगा होगा, जस्ट मिरर देखा होगा तो चौंक गया होगा, उसको लगा होगा कि अरे हमारा डुप्लीकेट इसमें कैसे आ रहा है, राइट।
ये कौन सी फिनोमेना हो रही, किस वजह से हमारा इमेज, हम अपने आप को इस सिचुएशन में देख पा रहे हैं, पानी में इमेज बन रहा है हमारा, शीशे में हमारा इमेज बन रहा है, तो वो सब चीज़ें डुप्लीकेट रूप में कैसे आ रही हैं, तो वहाँ पे तो इतना नॉलेज था नहीं, लेकिन इतना ज़रूर देखा गया कि जितना डिस्टेंस आगे रख हम खड़े हैं मिरर के आगे, उतनी डिस्टेंस पीछे जा कर के इमेज हमारी बन रही है, राइट। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आइए प्रूफ किया जाए। इसको मिटा देते हैं, आपने क्या किया, एक इमेज यहाँ पे मिरर ले लिया, थोड़ा सा बड़ा बना दें, इस जगह पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आपने इंसिडेंट कराई और ये रिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ, राइट। थोड़ा सा नीचे कर दें, इस जगह आपको ये ऑब्जेक्ट लाइट ऐसे आपने इंसिडेंट कराई, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गया, पीछे की तरफ आपने बढ़ाया, क्लियर। अब दूसरी लाइट हम क्या करते हैं, यहाँ से ये इंसिडेंट है, दूसरी लाइट हम नॉर्मल से इंसिडेंट कराते हैं, जस्ट नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। और आपने सीखा होगा नॉर्मल से अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना नहीं होगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्या है, जीरो है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या बनेगा हमारा, जीरो बनेगा। नॉर्मल से इंसिडेंट करने मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई आपका मिरर था, इस मिरर पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइट इस तरीके से आती थी, एंगल बनाती है, और एंगल बनाती हुई निकल जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन अगर कोई राइट कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल से इंसिडेंट कराई जाए तो बेटा क्या होगी, नॉर्मल से इंसिडेंट करने मतलब क्या होगा, इसी मीडियम इसी पाथ पे वापस लौट जाएंगे। सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगा कि नॉर्मल से इंसिडेंट होने का मतलब क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू जीरो, तो एंगल आर भी क्या होगा बेटा, जीरो बनेगा। इंसिडेंट एंगल जीरो है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हमारी बनेगी, जीरो बनेगी। अब जरा सोचें, अगर हमने लाइट इंसिडेंट कराई हुई नॉर्मल से तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होंगी ऐसी, राइट। हमें दिखेगा लाइट पीछे से आते हुए, तो कुछ इस जगह पे लाइट मीट करेगा, और आपने पढ़ा हुआ जहाँ पे लाइट मीट करती है वहीं हमें अब क्या बनेगा, इमेज बनेगा। हमें प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपस में बराबर, राइट। सिचुएशन पे ध्यान दें, प्रूव क्या करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, बराबर। ये तो प्रूव करना है, जितना आगे हम खड़े मिरर के आगे, मिरर के पीछे हमारी इमेज उतनी डिस्टेंस पे बनेगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए जरा सा, लाइट जहाँ से इंसिडेंट हुई है अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें कुछ ऐसा, तो ये आपका बनेगा एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा बनेगा, राइट। हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये एंगल थीटा बना नॉर्मल के साथ में, ये भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे ये जेड फॉर्म हो रहा है, इस वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे पुश कर दें, राइट, तो ये भी आपका थीटा बनेगा, इसकी वजह से ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। अब यहाँ भी जेड फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से ये थीटा बन जाएगा, क्लियर। देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है जिसकी वजह से ये क्या बनेगा, ना 90 डिग्री बनेगा, ये 90 तो बेटा ये भी 90 बनेगा, क्लियर है ना, ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, राइट। अब जरा देखिए, ये थीटा ये 90 तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ये 90 तो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो आपने देखा दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल ये, तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल कॉमन है, एक साइड दोनों में भी कॉमन है, थीटा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, थीटा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, और ये साइड क्या बन रही, कॉमन बन रही, राइट। पुनः देखें, थीटा 90 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखें थीटा 90 90 माइनस थीटा,
और ये साइड क्या बन रही, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से हम बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कांग्रुएंट कर सकते हैं, कह सकते हैं ना, दोनों ट्राइंगल हमारी क्या होगी ए एस ए की वजह से हम दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और जैसे ट्राइंगल कांग्रुएंट प्रूव हुआ बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस या ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, राइट। ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मैं इसे कह सकते हैं हम जितना मिरर के आगे हम खड़े होंगे हमारी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। एज फार एज बी स्टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर आवर इमेज विल बी फॉर्म इन साइड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस। और यही आपकी क्या है, प्लेन मिरर की सबसे बड़ी खूबसूरती। तो आपने देखा प्लेन मिरर के द्वारा दो कंडीशन यहाँ पे मिली, इमेज की दो कंडीशन बनी, इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट तो होता ही, ये तो आप जानती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होगी इमेज की, कि इमेज विल बी फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।